बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और हर बीमारियों से महफूज रखे, जो देश परदेश में अल्लाह पाक सबको और अपनी आमीन। तो आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज जो है ना, मैंने कपड़े वगैरह सुबह सुबह मशीन लगाई थी, तो सुबह सुबह जो है ना मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो अभी मैंने मशीन बाहर रखी है तो कपड़े सिलाई करने के लिए। और आज जैनब और मरुष को दोनों को छुट्टी है। आपको बताया कि स्मोक की वजह से बच्चों को छुट्टी हो रही है। जो बहन है ना अच्छा कुछ नहीं कहती। मैंने कहा तो अभी मैं काम करके फारिग हुई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं अपने हाथ पाँव मुँह धो लेती हूँ, तो बाद में जो है ना काम वगैरह जो है। अभी हाथ पाँव मैंने जो है ना धो लिए है। आपको पता है आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो उस वजह से सर्दियों की वजह से हाथ पाँव इतने ज्यादा खराब और गंदे हो जाते हैं। तो मैंने अपनी मुर्गियां वगैरह सबको बाहर निकाल दिया है। आज कितने दिनों बाहर ये बाहर निकली हैं वो देखो। अब मैं तो कपड़े सिलाई कर रही थी, पहले जो है ना मेरा भूखा कपड़े सिलाई कर रही थी। सबसे पहले वो कहते हैं मैं सिलाई करूँ कपड़े। और ये मैंने बनाया था अपने हसनैन का सूट, ये वाला, तो सुबह सुबह मैंने ये धो के खड़ाया था। मैंने कहा प्रेस कर लूंगी ना, शादी पे जाना है ना, इस वजह से। तो खाती हूँ जो मैंने सूट बनाया अपनी सिस्टर का, और बड़ी अपनी बेटी का सूट बनाया मैंने, मारूश फातिमा का सूट बनाया है। और ये वाला खुद मैंने बनाया था, मैंने खुद सिलाई किया था। और ये वाला मैंने बनाया था मरूज फातिमा का। तो आप लोगों ने ना मुझे कमेंट्स करके जरूर बताने कि कैसा सूट बना हुआ है, तो इस वजह से तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपने थोड़ा मशवरा वगैरह देना है। तो इस जगह से मैंने वो झालर वगैरह बना के अभी लगानी है, तो झालर वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं लगाई, बटन वगैरह भी अभी लगाने हैं, तो तुरपाई वगैरह जो है ना वो भी करनी है, नीचे जो शमीज़ वगैरह लगी हुई उससे ना पीको वगैरह भी अभी करवानी है। तो आपको पता है जो सिलाई करने वाले होते हैं वो ज़्यादा मेहनत हो जाती है। ये उसके साथ का मैंने पजामा बनाया है, कैपरी बनाई है, और ये सिस्टर का बनाया है, और ये वाला ये मेरी सिस्टर का बना हुआ है, और ये भी हमने खुद बनाया है, ये भी मैंने बनाया है। ये वैसे सिंपल सा बनाया घर में पहनने के लिए, आप लोगों को पता है, तो घर में भी जो है ना वो भी थोड़े थोड़े ऐसे सिलाई वगैरह करके ना, तो थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह हम कर लेते हैं, तो सिंपल से सूट लेके ऊपर से थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह करके वो बच्चियों को पहना दी। देखो मेरे जो कबूतर वगैरह ना वो आराम कर रहे हैं, जो उसके मालिक है ना वो आराम नहीं कर रही, तो अभी मैं भी आराम करती हूँ, कोई नहीं देख पा रहे तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आपको पता है मैं सिलाई कपड़े कर करके थक गई हूँ, तो अभी जैनब का सूट सिलाई करना है, तो अम्मी का सूट सिलाई करना है। तो शादी है ना, तो शादी के लिए वो कपड़े सारे सिलाई करने हैं। अभी उसकी जो नलकी वगैरह है वो खत्म हो गई है, तो कोई आएगा तो फिर भी जाऊंगी बाजार, बाजार से जो चीजें वगैरह खत्म हो गई हैं वो लेने जाऊंगी। अभी जैनब और सूट का जो जैनब और मनोज का सूट बनाना है उसके साथ का, तो वो भी बनाने हैं, वो भी लेने जाना है। बारिश वजह से देख रही हूँ, तो मैंने कबूतर वगैरह बाहर निकाले हुए हैं, तो उस दिन भी बिल्ली आई
और एक मेरा चूजा ले गई। वो चूजे को लेके फौरन ही चूजे को लेके निकल गई। अपना इस वजह से उस डर की वजह से मैं इनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल दिया अपनी मुर्गियों को। तो चार पांच जो है ना मुर्गी हैं और दो ही मुर्गियां हैं। एक तो मुर्गी मर गई थी बेचारी, तो मेरा एक तोता भी मर गया था। तो इस वजह से अभी जो है ना काफी वगैरह मैंने तोते वगैरह मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं। तो जो मेरी आज खुमरी है, एक खुशखबरी की वो बात है कि मेरी जो खुमरी है, पहले उसने एक बच्चा दिया था और दो उसके अंडे थे, उसके अंदर ना एक ही बच्चा निकला था, चूजा जो है ना खुमरी का बच्चा। तो मेरे जो हसान है उसने पकड़ पकड़ के उसे मार दिया था, उसे मार दिया था। तो अब जो है ना, अब दोबारा उसने अंडा दिया है, अब जो है ना मैंने उन्हें बिल्कुल भी हसान को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाने देना। अब वो मारती है, अभी मैंने उसे दाना डाला है तो वो बार बार ना ऐसे बार जो है ना ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही थी मारने के लिए। तो रात को इतनी ज्यादा देर हो गई थी, रात को इतने देर से सोए थे, तो सुबह सुबह जो है ना रात को स्नैन उठ गया था तो इतना ज्यादा रोने लग गया था। मैंने इतने से मुश्किल से सुलाया, वो कह रहा है मुझे कार्टून लगा के दो। मैंने कहा रात को कार्टून वगैरह कैसे लगा के दूं,